हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑफ यू। आइए हम लोग यूपी बोर्ड क्लास टेंथ की थर्ड पोम द विलेज सॉन्ग, जिसे सरोजनी नायडू ने लिखा है, भारत को किला सरोजनी नायडू ने, इसके कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और एक दो बार पढ़ लेंगे तो तैयार हो जाएगा। आइए देखें, ये स्टेंजा है, इसको पढ़कर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। तो हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, तो प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रिज ब्लोविंग, क्या तुम अपने गहनों को हवा में फेंक दोगी, सुगंधित गहनों को। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी, लीव मैंने छोड़ना, जिसने तुम्हें सुनहरे दानों से पाला है। Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? क्या तुम उस प्रेमी को, दूल्हे को मायूस करोगी जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। इस पोएम को हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपने न पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लीजिए। आइए क्वेश्चन आंसर देखें। राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन, उस कविता का नाम लिखिए जहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो इस कविता के कवि कौन है। आंसर, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द विलेज सॉन्ग, यह पद्यांश कविता द विलेज सॉन्ग से लिया गया है। सरोजनी नायडू इज इट्स पोएट, सरोजनी नायडू इसके पोएट हैं, कवित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेरेमनी इज अबाउट बिगिन इन द अबव स्टेंजा, तो ऊपर दिए गए स्टेंजा में कौन सा समारोह होने वाला है। द वेडिंग ऑफ द डॉटर इज अबाउट टू बिगिन, इज अबाउट टू बिगिन, तो डॉटर लड़की की शादी शुरू होने वाली है, वही समारोह है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हनी चाइल्ड, तो हनी चाइल्ड की मीनिंग क्या है। द मीनिंग ऑफ हनी चाइल्ड इज डियर चाइल्ड, हनी चाइल्ड मीन्स डियर चाइल्ड, प्रिय बच्ची। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ वर्ड्स राइम टुगेदर इन द अबव स्टेंजा, ऊपर दिए गए स्टेंजा में कौन सा राइमिंग वर्ड है, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं या ये देखिए अपने स्टेंजा में। तो आप देखें कि पहली लाइन की जो लास्ट वर्ड है गोइंग, और दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो ब्लोविंग, तो गोइंग ब्लोविंग दोनों का प्रोनंसिएशन उच्चारण एक जैसा है, तो यही है राइमिंग वर्ड तुकांत। और तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है फेड यू, और चौथी का वेड यू, तो फेड यू वेड यू ये है राइमिंग वर्ड। तो अब आंसर लिखें कैसे, द वर्ड्स राइम टुगेदर आर गोइंग डैश ब्लोइंग एंड फेड यू डैश वेड यू। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्टेंजा है, इस स्टेंजा पर बेस्ड नीचे क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। अगर आपने पोएम नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, पहले पढ़िए तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। पुनः वही क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, तो उस कविता का नाम लिखिए जहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि कौन है।
तो दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोम द विलेज सॉन्ग। तो ये स्टेंजा कविता विलेज सॉन्ग से ली गई है, लिया गया है। सरोजिनी नायडू इज इट्स पोएट। सरोजिनी नायडू इसकी कवित्री हैं, कवि हैं, पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ वर्ड्स राइम टुगेदर इन द अबव स्टेंजा। तो इस स्टेंजा में कौन सा पेयर है जो राइम करता है, तुकांत है। तो वर्ड्स राइम टुगेदर आर गोइंग ब्लोइंग एंड ग्लिसन लिसन। आप देखेंगे कि ये गोइंग जो पहली लाइन का लास्ट वर्ड है और दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड ब्लोइंग, तो गोइंग राइम करता है, उसका तुकांत तो मैच करता है ब्लोइंग से और ग्लिसन लिसन से। तो द वर्ड्स राइम टुगेदर आर गोइंग डैश ब्लोइंग एंड ग्लिसन डैश लिसन। व्हाट डिड द गर्ल टेल हर मदर। तो लड़की अपनी माँ से क्या कहती है। द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट। कि वह जंगल जंगल में जा रही है। लड़की अपनी माँ से कहती है कि वह अपने वह जंगल में जा रही है। Why does the girl want to go to the forest? तो लड़की फॉरेस्ट क्यों जाना चाहती है। आंसर, द गर्ल वॉन्ट्स टू गो टू द फॉरेस्ट बिकॉज देयर देयर द चंपा बर्ड्स, क्योंकि वहाँ पर चंपा बर्ड्स हैं, चंपा की कलियाँ। ब्लोइंग ऑन द ब्रांचेज, जो शाखाओं में खिल रही हैं ये कलियाँ, चंपा की कलियाँ शाखाओं में खिल रही हैं। और क्या है, एंड द कुकू इज क्वीन, और कुकू एक जो बर्ड होती चिड़िया वो क्वीन गीत गा रही है। द फेरी फॉक्स आर कॉलिंग हर, तो परियां जन उसे बुला रही हैं। वेयर डज लोटस लिलीज ग्लिसन, तो कमल कुमुदनी ये कहाँ चमकते हैं, कहाँ खिलते हैं। लोटस लिलीज ग्लिसन इन द रिवर, तो नदी में खिलते हैं, नदी में चमकते हैं। और ये लास्ट स्टेंजा है, इसको देख लेंगे आप। क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, वही क्वेश्चन है सेम। राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन, उस कविता का नाम लिखिए जहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो इस कविता के कवि कौन हैं। तो दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोम द विलेज सॉन्ग, सरोजिनी नायडू इज इट्स पोएट। विच पेयर ऑफ वर्ड्स राइम टुगेदर इन द अबव स्टेंजा, तो ऊपर दिए गए स्टेंजा में राइमिंग वर्ड क्या है। आप देखें कि पहली लाइन का लास्ट वर्ड सारो और दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड टुमारो ये मैच कर रहा है, और तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड ये जो फॉलिंग है ये मैच कर रहा है किससे, चौथी लाइन का लास्ट वर्ड कॉलिंग से। तो आंसर हो जाएगा द वर्ड्स राइम्स टुगेदर आर सारो डैश टुमारो एंड फॉलिंग डैश कॉलिंग। एक्सप्लेन द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे द विंड ऑफ डेथ टुमारो, इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या करनी है इंग्लिश में। तो द लाफ्टर ऑफ द प्रेजेंट डे विल एंड इन द विंड ऑफ डेथ सून आफ्टर, तो आज की जो खुशी है ये शीघ्र ही डेथ में बदल जाएगी, मृत्यु में तब्दील हो जाएगी, इस खुशी का अंत मृत्यु में हो जाएगा। देयर इज नो रियल हैप्पीनेस इन द वॉर्डली लाइफ, तो कवित्री कहना चाहती हैं कि इस सांसारिक जीवन में वास्तविक प्रसन्नता नहीं है। विच
हैव कैडेंस ऑफ सारो. आंसर द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड कैडल सॉन्ग्स. शादी के गीत, ब्रिडल सॉन्ग्स मीन्स शादी के गीत, एंड क्रैडल सॉन्ग्स मीन्स पालना के गीत. तो शादी के गीत और पालना के गीत हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, इनमें दुख के कैडेंस हैं, लय हैं. कैडेंस मीन्स टोन होता है, लय होता है, स्वर होता है. तो इनमें दुख का लय है, दुख का स्वर है. प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको पसंद आएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी.